ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਸਪੌਂਸਰਡ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। कि ये स्पॉन्सर्ड बयान, पहले तो हमें लगता था कि ये स्पॉन्टेनियस है, अब इससे जैसे बरवा ने बयान दिए, उसके बाद बिट्टू का बयान आया, फिर एक इनका एमएलए है जो महाराष्ट्र है उसका बयान आया, सो ऐसे बयान और कंगना रनौत का जो बयान आ रहा है तो उससे ये है कि ये बयान खुद नहीं दे रहे, ये तो मखौटे, ये बाकायदा तौर बीजेपी की लीडरशिप जो है ऐसे बयान दिलवा रही है। और मैं समझता हूँ ये बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है, डेमोक्रेसी में ऐसा काम नहीं चलता। मोदी साहब बहुत दफ़ा बाहरले देशों में गए, उन्होंने जाकर हिंदुस्तान की और कांग्रेस की वहाँ नुक्ताचीनी भी की और बात भी की। ऐसे ही राहुल जी अगर गए हैं, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा है, कहीं नुक्ताचीनी किसी की नहीं की, अपना व्यू पॉइंट रखा है। और उस व्यू पॉइंट के साथ, क्योंकि मैं पंजाब का हूँ और सिख समुदाय के साथ जुड़ा हुआ बयान है, 99% सिख उनके बयान से सहमत हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी स्टेटमेंट के साथ सहमत हैं, और जो भी राहुल जी ने बात कही है वो 100% सही है। नंबर टू, अभी बीजेपी अगर सही मायने में इनकी गवर्नमेंट ने ये बयान या इनकी पार्टी ने ना करवाया हो तो इनके खिलाफ़ कोई ना कोई एक्शन अभी तक हो जाना चाहिए। देखो, एक सिटिंग मिनिस्टर राहुल जी के खिलाफ एक बयान देता है और वो बयान जो है उनको टेररिस्ट का शब्द इस्तेमाल करता है, तो अभी तक लीगल एक्शन हो जाना चाहिए था। मगर इससे ये साफ तौर नज़र आता है कि ये मखौटों से बयान दिलवाए जा रहे हैं, एक हिंदुस्तान में इलेक्शंस के टाइम पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, तो इसका माहौल बदलने की कोशिश की जा रही है। दे आर ट्राइंग टू टारगेट द सिक्स हु आर अराउंड 6% इन हरियाणा। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, आज सिख हरियाणा का 90% कांग्रेस के साथ, और जो बाकी 10% है वो बीजेपी के साथ कोई भी नहीं, वो कहीं बाएं दाएं हो सकता है किसी पार्टी के साथ। लीगल जहाँ तक एक्शन है, मेरा मानना है इमीडिएटली हमें मूव करना चाहिए। और मैं सहमत हूँ जो हमारे ट्रेजरर अपने माकिन साहब ने जो बात ऑलरेडी लिखती तौर पर कंप्लेंट की हुई है, इलेक्शन कमीशन को बता रखा है, तो और इवन ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा हुआ है, अगर उसके बावजूद नहीं आता तो देन कांग्रेस विल हैव टू एजिटेट एंड वी विल इंश्योर कि ये बात हो, क्योंकि बहुत बड़ा सिक्योरिटी का रिस्क अगर हो तो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन लोगों की नहीं, इनकी पार्टी की और इस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानूंगा ये होगी।